मेरी किस्मत में कुछ नहीं बाबा, नाम सुन कर के तेरा आया हूँ। डाल दे भीख मेरी झोली में, अब तुझे आज माने आया हूँ। मेरी किस्मत में कुछ नहीं बाबा, यहाँ के आगरा जिला के थे, तदेश्वर के, और विक्रम सिंह थे मैनपुरी। ऐसा हुआ था कि ये जो है शिकार करने गए थे, तो शिकार करते करते पीछा करते करते एक हिरण का शिकारी दो विक्रम सिंह राजा महेंद्र सिंह, तो इन्होंने जो है शिकार करते करते फरेरा नाके पे आ गए। हरेरा नाके पे आकर के एक शिकार दो थी, अब उनमें लड़ाई झगड़ा होने के लिए या तो वही युद्ध करो, युद्ध में अगर जो जीत जाएगा वो शिकार ले जाएगा। अच्छा, होते होते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो बिन्ने गए कि जल्दी करो, हमारी जो है पत्नी गर्भवती है। तो बिन्ने गए कि यहीं पे फैसला होता है। क्या फैसला होता है कि जो तुम्हारी और मेरी भी अपनी गर्भवती है, अगर हमारे लड़की हुई, राजा विक्रम सिंह ने कहा कि अगर हमारे लड़की होती है आपके लड़का होता है तो अपनी लड़की तुम्हारे लड़के के साथ शादी कर देंगे। उसके बाद जो है अगर तुम्हारे लड़की होती है और मेरे लड़का होता है तो तुम अपनी बिटिया को मेरे साथ लड़के के साथ कर देना। क्या भगवान की कुदरत की ऐसी बात, दोनों के ही लड़की पैदा। विक्रम सिंह ने सत्य बोला, इन्होंने जो है इनकी बांधी ने जो कर दी महाराज के पुत्र। ऐसा हुआ कि जब जो है कह दी, अब जो एक बात बताओ, राजा महाराजन के जब जो है पुत्र का मुंह तब देखते थे, जो सब पूछ लेते इसके गुण कैसे हैं, इसके भविष्य में क्या करेगा, ज्योतिष जो ब्राह्मण थे वो ऐसे तक बता देते थे जो कि धरी सी बात है, जो आगे के भविष्य के लिए आती थी वो होती थी, जो कह दी जा होती थी। हुआ क्या, ऐसा हुआ पांडी सिंह जी, जब होते होते लड़का 7 साल का है या तो है 6 साल का हो जाता है, मैंने कि महाराज तो ज्योतिषी बुलाए, मैंने महाराज सब बढ़िया है और इतना बुद्धिमान, या भविष्य में राज्य राज्य को भी सुखी रखेगा, लेकिन पर तो ज्योतिषी को पेट की बात तक बता देते, मुँह से छुपाव नहीं, मैंने महाराज पर किया कि नहीं महाराज मुँह में से निकल गई, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सही हुआ। गया जब 10-11 साल के जब बच्चा हो जाते तो शादी छोटेपन से हो जाती थी, तो ऐसा होता था पहले शादी पहले हो जाती थी और विदा जो है 18 साल बाद विदा होती थी, तब जो है आती थी। तो 18 साल जो जब 10-11 साल के शादी हुई फेटा कटारी से, एक नाई एक ब्राह्मण जाता था,
तो शादी फेटा का तारी थी, खुद बारात नहीं जाती थी, तो शादी रहते आएगी। जब लड़की को 12, 13, 14, 15 साल की शादी होती है, 18 साल की होती है, तो उसको ज्ञान होता है। तो राजा महाराजन की बुद्धि बच्चों में अलग होती है, ठीक है ना। तो इनकी स्थापना कौन से राजा ने करवाई थी? स्थापना कौन से राजा ने? राजा महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह ने स्थापना कैसे करवाई थी वो कैसे, तो बहुत लंबा पड़ेगा। और ये किसके भानिज माने जाते हैं? ये सब तीर्थों का भांजा है, सब तीर्थों के भांजा, यानी वसुदेव की जो है जन्मभूमि यही की, वासुदेव की जन्मभूमि यही की है। हाँ, बटेश्वर की। यहाँ से बारात मथुरा गई थी, मथुरा में कंस ने जो है अत्याचार किया था, तो उनको जब देव की विदा करने गए थे तो आकाशवाणी हुई थी, वो जो है वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि जो तू इसे विदा करने जा रहा है, इसके 8वां पुत्र होगा, तेरा विनाश होगा। उसने बंदे की रह में डाल दिया। तो स्वयं वसुदेव जी ने ये कहा था कि ऐसा है, जो पुत्र होंगे आपके हवाले कर देंगे। अरे पुत्र नहीं तो कहा है, बिना कि ऐसे नहीं जेल में डाल करके, जब 8वां पुत्र हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तब हम तुमको बदल कर देंगे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो भगवान की कुदरती एक ऐसी लीला थी कि यशोदा के पहले ही उन्होंने सपने में कह दिया था कि हाँ गोकुल में पहुंचा दिया जाए, और तब मैं जो है संहार करूंगा, इस जो अत्याचार करे इसका विनाश करूंगा। देखो इस धरती पर जब जब अत्याचार हुआ है तो भगवान ने स्वयं अवतार लिए, बिल्कुल लिए। उसी प्रकार वासुदेव ने अवतार लिया, वासुदेव जी की बरात जो गई थी यहाँ से गई थी मथुरा के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे यमुना नदी उल्टी बहती है। हाँ, उल्टी बह रही है। तो इसका क्या तथ्य? ये तत्व वही उसी लड़का लड़की के बाद तत्व है। ये जमुना बहती थी धार, ये बांध बनाए है, समझे ने, तो बांध बनाए, तो ये शिव भक्त थे। तो राजा की पत्नी जो है शिव भक्त बहुत थी, बहुत ज्यादा। तो लड़की ने कही बहन तो अब बहन जी मालूम पड़ेगी फिर युद्ध होगा, ताते मरना ही अच्छा है, तो वहाँ पे कूद पड़ी। तो बरखंडेश्वर मंदिर जो है स्वयं लिंग निकली हुई है, जिसकी स्थापना हुई 101 मंदिर उल्टी जमुना, 108 मंदिर उल्टी जमुना। ये शेषों का नाम बट वृक्ष, ये बरगद का पेड़ होगा। अच्छा, ये बहुत पुराना है बट वृक्ष, इसलिए बटेश्वर नाम पड़ा है। वैसे बटेश्वर का पहले नाम सूरसेनपुर के नाम से विख्यात था। सूरसेनपुर विख्यात है, सब तीर्थों का भांजा है। कहीं भी जाइए, कहीं भी गंगा सागर कहते हैं, बार सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार ये कहते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं, सबसे पहले इसका नहीं किया तो किसी का नहीं। ब्रज की काशी यहीं से स्टार्ट हुई, ब्रज की, या कृष्ण यहाँ जन्म थे, वहाँ पे कहने लगे, वैसे जन्मभूमि तो कृष्ण की यही है, तो ब्रज की काशी यहीं से, वैसे जन्मभूमि यही है मथुरा की, तो बताते हैं हम, बताते नहीं होते तो वैसे यहाँ होते कृष्ण, बात सही है नहीं है? कार्यक्रम नहीं हो रहा तो कृष्ण यहाँ से सब मैं गीता में देखी है, आप किसी ने देखी है, पुराणों में देखी है, सब में आता और आते हैं बाबा घूम के अभी तुम्हारे। उल्टी बह रही है, ये मोड़ दिख रही है, हाँ से इधर 9 किलोमीटर तक, हाँ फिर, और ये यहाँ से लेके 108 मंदिर है वहाँ तक, उस लास्ट तक दिख रहा, लास्ट में जो लाल लाल वहाँ तक 108 मंदिर है।
जो ये दिख रहा है राजा की लड़की। और यहाँ के वो राजा थे अर्धमन सिंह, उन्होंने बनवाए, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी लड़की थी एक, वो यहाँ पर जमुना जी कूद गई थी तो वो लड़की से लड़का बन गई थी, तभी से जमुना जी उन्होंने 9 किलोमीटर उल्टी बब्बाई हैं और पूरे 108 मंदिर बनवाए हैं राजा ने। और अभी वो आगरा में रह रहा है, यहाँ पे रहते हैं, उनका उधर किला है सामने, आपको दिख रहा है बीच में, वो सामने दिख रहा है खंडर सा पड़ा है बीच में, हाँ उनका किला है यहाँ पर ही। तो इसके लिए प्रकार कवर किया जाए, ये है, ये किला है राजा का घर, ठीक है, आते रहते हैं यहाँ पे, आते जिंदा है राजा भी, जिंदा है मतलब उनके लड़का है, अच्छा उनके लड़के हैं, उनके वंश यहाँ पे आते रहते हैं मंदिर पे पूजा वूजा करने के लिए। अच्छा जी, उनके हिसाब से यहाँ पे सब बूट चल रही है, क्या बात है, विधायक है ना यहाँ के, वो अर्धमन सिंह, अर्धमन सिंह बोर्ड लगा हुआ है जो, वो विधायक है यहाँ, विधायक चैनल है ना। ये मंदिर कितने साल पुराना है? कम से कम 400-500 साल पुराने होंगे, 400-500 साल पुराने मंदिर।